अपने अधिकार के लिए एकजुट हो महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर AIMSS और AIDSO की ओर से कारगिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि उनके साथ भेदभाव बंद होना चाहिए। आज भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं जो पुरुषों को है। दुष्कर्म और प्रताड़ना जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में अपने अधिकार के लिए महिलाओं को एकजुट होने की जरूरत है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और AIDSO छात्र संगठन की ओर से कारगिल चौक पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का करने का जो उद्देश्य है, पूरे दुनिया में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई 8 मार्च को जीत हुई थी क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में, और आज भी जिन मांगों को लेकर के क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में लड़ाई हुई पूरे दुनिया में 8 मार्च घोषित किया गया, वो मांगे आज भी अधूरी है। समान काम के लिए समान वेतन, काम के घंटे 8 करो और समान महिलाओं को वोट डालने के लिए अधिकार की लड़ाई हुई थी। आज भी हमारी सरकार काम के घंटों को बढ़ा रही है। जो संघर्ष के बदौलत मजदूर किसानों ने महिलाओं ने हक अधिकार को हासिल किया, उसको एक एक करके हमारी सरकार छीन रही है। महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है, रेप हत्या गैंग रेप की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन हमारी सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। इसके खिलाफ हम पूरे देश भर में महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं से बोलबंद होने की आवाज करते हैं। आप अपने हक और अधिकार को पहचानिए, जागरूक होइए और संगठित होकर के महिला आंदोलन को तेज कीजिए। एकमात्र लड़ाई के रास्ते ही, संघर्ष के रास्ते ही हम महिलाओं को मान मर्यादा सम्मान दिला सकते हैं, अपनी मांग को हासिल कर सकते हैं। अनामिका AIMSS, मैं इंदु कुमारी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की एक राज्य कमेटी मेंबर हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं यहाँ कारगिल चौक पर उपस्थित हूँ। जो एक समय ऐतिहासिक जीत हुई थी महिलाओं का, लेकिन आज भी इतने दिनों के बाद भी जो हमारा समाज महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है और लगातार महिलाओं के ऊपर दमन उत्पीड़न जारी है, इसके खिलाफ आज उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सीख लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने इज्जत की आबरू को बचा सकते हैं।